वाह मजा आ गया यार। मतलब चाय तो खैर नीचे भी मिलती है, आप लोग भी अच्छी चाय पीते होंगे, लेकिन इस पर्वत में, इस माउंटेन में, घनघोर जंगलों के बीच, पेड़ों के नीचे, पर्वत और इन हवाओं के बीच में इस चाय का मजा ही कुछ और है। वाह क्या कहना यार, क्या बात है। तो नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र शक्रानी और मैं एक माउंटेनियर हूं। और अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछा करते हैं कि जब आप माउंटेन में जाते हैं, बर्फीले पहाड़ों में जाते हैं या जंगल में जाते हैं, तो आप लोग वहां पे खाना कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम घरों में एलपीजी यूज करते हैं, तो एलपीजी वहां पे ले जा नहीं सकते, क्योंकि एलपीजी ठंडे में फ्रीज हो जाती है, जम जाती है, तो वहां पे काम नहीं करती है। दूसरा, ये इतनी भारी होती है कि इसको ऊपर कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले टाइम में हम लोग कैरोसिन, जो भी माउंटेनियर होते थे, कैरोसिन का जो ऑयल हो, मिट्टी तेल जिसको हम बोलते हैं, उसको यूज करते थे स्टॉप ले जाके, लेकिन वो भी बहुत भारी होता है और थोड़ा स्लो चलता है वो, तो उसको ले जाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो मॉडर्न माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है, उसमें जो भी चीजें बनाई गई, उसी क्रम में आज हमारे पास है हंस कंपनी का बहुत ही खूबसूरत स्टॉप। आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही लाइट वेट होता है, मैं पूरा खोल के बताऊंगा आपको इसको। और मेरे पास पूरा बर्तनों का सेट हंस कंपनी ने दिया है, और साथ में है मेरे पास हंस कंपनी के ये ब्यूटेन गैस के सिलेंडर। आपको मैं बता दूं कि ये जो ब्यूटेन गैस है, ये जो सिलेंडर है, इसमें ये बर्फ में किसी भी टेम्परेचर पे -40 -50 में भी ये जमता नहीं है, और बहुत लाइट वेट होता है। आप अपने बैग में 3-4 लेके चल सकते हैं और अपने लिए माउंटेन में खाना बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको खाना कैसे बनाना है। तो पहले हंस कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये दिया है। और अभी आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसके साथ जो बर्तन के सेट है वो कैसे हैं और कितने हल्के होते हैं। तो ये हैं हमारे बर्तन, और इसमें वंडर वाइप भी दिया गया इसको साफ करने के लिए। ये थैली मैं साइड में रख देता हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने जो है आपके पास कितने पैन है। ये पैन है लगभग शायद 1.5-2 लीटर का होगा, और ये इसका लीड है, ये दूसरा पैन है, और ये इसका लीड है, और ये तीसरा पैन है। तो आप ये तीन प्रकार के पैन इसमें दिए गए हैं, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत कम वेट है इसका, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके बैग के अंदर ये डाला है कि नहीं डाला है। और एक टोकरी है जिसमें कि हम अपने वेजिटेबल्स रख सकते हैं, और इसमें इसको अगर धोना वोना होगा, आपने धुली नहीं है तो आप इसको धो भी सकते हैं। तो ये एक टोकरी आपको मिलती है, और साथ में आपको एक और डब्बा मिलता है, इसमें आप कुछ और सामान रख सकते हैं। और इसमें प्लेटें मिली है, ये 4 प्लेटें हैं मेरे पास अभी इसमें, और 5-6 सूप बॉल हैं जिसमें आप सूप पी सकते हैं, और साथ में एक ये लेडल है आपको निकालने के लिए, कुछ भी आप सूप बनाते हैं या कुछ भी वेजिटेबल्स, खिचड़ी विचड़ी, मैगी वैगी बनाते हैं, इसे निकाल सकते हैं। और एक और ये स्पून है, इससे आप स्टिर कर सकते हैं इसको। और एक ये केतली मिली है 1 लीटर की, इसमें आप दूध गर्म कर सकते हैं, चाय कॉफी बना सकते हैं। और साथ में एक मिला है, एक पैन मिला है हमको, इसमें आप मैगी वैगी और रोटी भी इसमें बना सकते हैं आप। ये तवे का भी काम करेगा प्लस पैन का भी काम करेगा, आपको इसमें तड़का लगाना है या कुछ भी करना है तो दोनों चीज के लिए काम आएगा। तो ये है हंस कंपनी का ये सेट हमें मिला है यहाँ पे। और अब आप दिखाता हूँ जो मेन चीज है, तो ये है हमारा स्टोव, जो बर्नर होता है, इसमें हम खाना बनाते हैं। तो ये जो बर्नर है, ये आप देख लो, इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको इस प्रकार से खोलना है, और ये जो बॉक्स है इसको आप साइड में रख दो, और ये आपने साइड में रख दिया, इस पे थोड़ा जूम करना चाहिए। तो ये है, तो इसको अपने फिक्स कैसे करना मैं आपको बता दूं। तो आपको ये अभी ऐसे मिला है हंस कंपनी का, सबसे पहले आपने इसको यहां से उठाना है, और इसको ऐसे उठा के ऐसे रख देना है, और ये इसका बर्नर है जो जलेगा, और ये इसके स्टैंड है कि सपोज आपने ये पैन इसके ऊपर ऐसे रखना है, ये यहां से जलेगा, अभी आपको बताऊंगा जला के। ये हो गया, आप इसमें पानी डालना है, खाना बना लेना है। तो ये हो गया, अब इसमें सिलेंडर फिक्स कैसे करना है। जो ये ब्यूटेन गैस के सिलेंडर आपको दिए हैं, तो आपको इसको यहां से, ये है यहां से, इसको ओपन कर लेना है। और ये जो है, ये ब्यूटेन गैस का सिलेंडर, जूम चलाना,
पूरा जूम रखना, यहीं पे रखना, मेरे को मत दिखाना अभी। तो ये जो है, ये सबसे पहले आपने इसका कैप रिमूव कर देना है, ठीक है, इसका सील तोड़ के आपने इसको रिमूव कर देना है। अब इसको फिक्स कैसे करना है, अभी आप ध्यान से देखना, ये जो है इसका जो ये नेक है, इसका जो ये मुंह है, यहाँ पे एक नली दी हुई है गैस की नली, ठीक है। तो इसका जो ये मुंह है आपने इस तरफ से डालना है इसको, और इसमें यहाँ पे देखो एक नेक पे एक निशान बना हुआ है, गैप बना हुआ है, तो आपने इसको अप टू स्काई रखना है, आसमान की तरफ इसको रखना है। इसको उल्टा रखोगे तो आप ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आपने इसको इस प्रकार से इसमें रखना है। देखिए यहाँ पे एक एक नली दी गई है, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, एक 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 नली दी गई है, आपने इस जो इसकी नेक है, जो सिलेंडर की नली है, ये इसमें आपने डालनी है, ठीक है। तो आपने ये इसमें रख दी, और यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, इस लॉक को आपने ऐसे रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, आपने इसको प्रेस करना है। उससे क्या होगा, आप ही देखो, जो ये सिलेंडर पीछे की तरफ है, आप जिसको इसको जैसे ही प्रेस करेंगे, ये आगे खिसक के इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने इसको प्रेस करना है, ये जो बटन यहाँ पे दे रखा है, और ये फिक्स हो गया। अभी ये सिलेंडर तैयार है, इसमें चालू हो गया। तो आपने इसको बंद कर देना है, और इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया। थोड़ा एकदम क्लोज आके दिखा लो इसमें आगे लगे। अच्छा, अब ये फिक्स हो गया, अब आप इसको जलाना है। ये जो बटन है, ये ऑन ऑफ का बटन है, आपने इसको ऑन करना है, ये गैस ऑटोमेटिक जल जाएगा। आपको किसी भी मैच बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैच बॉक्स आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, इसमें ऑटोमेटिक है ये। तो अभी एक बार आपको जला के बताता हूँ, आपने इसको पूरा टर्न करना है। देखो ये गैस जल गया अभी, तो शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये आंच इसकी ये जल गई। अभी आपको ये पत्ता जला के दिखाता हूँ, अभी आपको दिख रहा होगा ये। तो ये इस प्रकार से बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है यूज करने के लिए, ये गैस जल गई। तो अब बस ठीक ठीक डालेंगे, भूल गए, वैसे इसमें मिलती थी छन्नी शायद, वो हम भूल गए, छन्नी थी इसमें, देखता हूँ अभी। चलो भाई जी, जरा पीके बताता हूँ कैसे हो रही है। वाह, मजा आ गया यार, मतलब चाय तो खैर नीचे भी मिलती है, आप लोग भी अच्छी चाय पीते होंगे, लेकिन इस पर्वत में, इस माउंटेन में, घनघोर जंगलों के बीच, पेड़ों के नीचे, पर्वत और इन हवाओं के बीच में इस चाय का मजा ही कुछ और है। एक दो मिनट में तो ये रही मेरी मैगी, बहुत ही शानदार।